हमारी आज की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। इस सीजन में पहली बार एक ऐसी कहानी जहां हम आपको दोनों पार्टनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएंगे। एक तरफ एक बॉयफ्रेंड जिसको अपनी गर्लफ्रेंड की लॉयल्टी पर डाउट था, और दूसरी तरफ एक गर्लफ्रेंड जो एक छोटे से मोमेंट में वीक पड़ गई एंड एंडेड अप चीटिंग ऑन हर पार्टनर। बट व्हाट शी डिड आफ्टर दैट इज वर्थ अ वॉच। This is Pravesh Rana and welcome to NV 1000 presents Bindaas Emotional Atyachar Season 5. Ab tehkikat yaaron ke saath. Let's call Vinayak first. Please come. Kya haal hai yaar? Hello sir. Kaise ho Vinayak? Badhiya. Thank you sir. Kya ho raha hai? Badhiya sir. First class. Kahan se hain aap? Sir, main Pune se hu. Acha. Pune mein फैमिली पूरी रहती है? पूरी फैमिली पूना में रहती है। पापा गवर्नमेंट जॉब में है। अच्छा। बड़ा भाई इंडियन आर्मी में। अरे वाह। आप? मैं ग्राफिक डिजाइनर। तो बताइए, जिस वजह से आज आप यहाँ आए हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई? सर ये बात अराउंड 6 महीने पहले की है। मैं और वृंदा 4 साल से रिलेशनशिप में। वृंदा? हाँ वृंदा। ओके। अराउंड 6 महीने पहले है कि फ्राइडे नाइट को मैं उससे मिलने आया, तो वो तैयार होके अपने कुछ पार्टी थी, उसकी रीयूनियन पार्टी थी, तो वो पार्टी में जा रही थी। अब बोलो क्या बात है, बहुत अच्छी लग रही हो। कॉलेज रीयूनियन? हाँ। वैसे कौन कौन आ रहा है? वही पूरा कॉलेज क्रू। ओके। बाय द वे, डिड यू मिस मी? व्हाट डू यू थिंक? वैसे बहुत हॉट लग रही हो। सोच रहा हूँ कि तुम्हें जाने दूँ या नहीं। सिमरन हो गई, आई हैव टू गो। अब मैं दरवाजा खोल रही हूँ। विनी! हे! कब आया तू? बस अभी अभी। और ये तुझे छोड़ के जा रही है? कोई बात नहीं, मैं रुक जाती हूँ, इसे जाने देते हैं। अब इसे एज अ पनिशमेंट इसे कोलाबा से मेरे लिए डोनट लेके आना पड़ेगा। I don't know about the donuts, but I have something for you. This is for our everlasting love. I hope you like. अभी मत खोलना, हम आ जाने के बाद। अब चले? चलो। Don't worry, तेरी girlfriend को सही सलामत वापस यहीं drop करूँगी। Have fun, take care. Bye, baby. Bye, bye. वो दोनों निकल जाते हैं और मैं टेनिस मैच देखते देखते सो जाता हूँ काउच पे। जब सो के उठता हूँ तो देखता हूँ कि वृंदा का मैसेज आया कुछ देर पहले। और मैसेज में लिखा होता ही इज फ्लर्टिंग। मैंने कि ही इज फ्लर्टिंग, ये मुझको क्यों भेज रही, क्या हो गया? उसको कॉल करता हूँ। Hey. कौन फ्लर्ट कर रहा है तुम्हारे साथ?
हाँ Should I be worried? अच्छा ये सब छोड़ो कब आ रही हो घर मैं बस आ रही हूँ थोड़ी देर में मैं आऊँ तुम्हें लेने नहीं नहीं सिमरन है ना वो ड्रॉप कर देगी ओके मैं अभी सोने जा रहा हूँ कम सुन बेबी ओके हलाफ क्यों फोन कट कर दिया तुमने अच्छा फोन तो ऐसे कभी कट नहीं किया तो फिर अंदर जाके मैं सो गया काफी थक गया था तो अराउंड 1:45 पे वृंदा आती है सिमरन ने तुम्हें ड्रॉप किया था हाँ क्यों एक सेकेंड हे सिमरन क्या बात है इतना जल्दी उठ गई वृंदा तो अभी तक सो रही है अरे रात में घर जल्दी आ गई थी ना इसलिए रात को थोड़ी ज्यादा हो गई थी तो विक्रम हैड टू कम एंड पिक मी अप कितने बजे कुछ 11:30 बजे के आसपास सिमरन ने तुम्हें ड्रॉप किया था हाँ क्यों क्या हुआ तेरा चेहरा क्यों उतर गया नहीं 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 कुछ नहीं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है बस उसी के लिए लेट हो रहा हूँ फिर जब शाम को जाता हूँ तो देखता हूँ कि वो घर पर नहीं है और फ्रिज पे नोट लगा है कि मैं इम्पोर्टेंट वर्क से बाहर जा रही हूँ आज तो क्लास होती नहीं है उसकी तो किस चीज़ के लिए बाहर गई है कुछ समझ में नहीं आ रहा था नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि वो किसके साथ होगी रात में क्या हुआ होगा उनके बीच में उसको घर छोड़ने कौन आया लिफ्ट ओपन होती है आवाज़ सुनाई पड़ती है तो मैं दौड़ के जाता हूँ मैं सोचा वृंदा आ गई गेट खोलता हूँ तो सिमरन होती है यार क्या हुआ है बता ना सुबह से परेशान लग रहा है तू कल रात से वृंदा मुझसे कुछ छुपा रही है क्या उसने कहा था कि तुम दोनों पार्टी से साथ में लौटे थे पर तुम तो विक्रम के साथ आई अच्छा सिमरन कल पार्टी में कौन कौन आया था हमारे कुछ पुराने क्लासमेट्स मन्नु विक्रांत रिद्धि समृद्धि और भी बहुत लोग थे रोहन भी आया था रोहन उसका एक्स पर वो तो यूएस में है ना वो वापस आ गए
सिमरन आज हमारे साथ है, उन्हें बुलाया जाए। ठीक है सर, प्लीज कम। हेलो, हेलो, वेलकम टू इमोशनल पिक्चर, प्लीज हैव अ सीट। हाय सिमरन, कैसी है? ठीक हूँ, कैसे हो? मस्त। हाँ। अच्छे हैं? ठीक है, फर्स्ट क्लास। हाँ। हम लोग बात कर रहे थे अभी तो इन्होंने बताया पूरा जो किस्सा हुआ था कि आपने उन्हें ड्रॉप नहीं किया, बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप इनसे मिले तो इन्हें रियलाइज हुआ कि वृंदा ने इनसे झूठ बोला। क्योंकि रोहन का किस्सा बहुत सालों पहले बंद हो गया था। एक साथ थे वो कॉलेज में, वो एक ऐसा परफेक्ट कपल कहलाते थे कि बहुत क्यूट है, उनका एक ऐसा रेप्यूटेशन था। लेकिन जब कॉलेज ख़त्म होने को आया था, उसे फर्दर स्टडीज़ के लिए अमेरिका जाना था और वो इधर ही रह रही थी। एंड में उन्होंने सिचुएशन को देखकर एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया और एक म्यूचुअल ब्रेकअप उनका हो गया था। वृंदा ठीक नहीं थी उस बात से। उस दौरान विनायक वापस आया, लाइक हमारी दोस्ती और बढ़ती गई और विनायक वृंदा के लिए एक परफेक्ट गाय बन गया था। और एक दिन जब उसने रोहन के बारे में बताया, मैं तो बिल्कुल शॉक हो गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने उसे कहा कि एक काम कर, पार्टी में 10-15 लोग थे, उससे सामने से पूछ ले कि कौन कौन आया था पार्टी में। hey! कहाँ थी तुम? गुलाबा गई थी तुम्हारे फेवरेट डोनट्स लाने के लिए। थैंक्स, तुमने इसके लिए 2 घंटे ट्रैवल किए? हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। और आज मैं तुम्हारी फेवरेट चीज बनाने वाली हूँ, मटन बिरयानी। यस, करेक्ट। स्मेल्स नाइस। कौन फ्लर्ट कर रहा था तुम्हारे साथ? फ्लर्ट? हाँ, कल तुम्हारा SMS आया था ना मुझे रात को। वो मैं सिमरन को करने वाली थी, गलती से तुम्हें सेंड हो गया होगा। एक बंदा था कॉलेज में, पीछे पड़ा था मेरे, तो वी जस्ट सॉ हिम यस्टरडे, तो ऐसे ही उसका मजाक उड़ा रहे थे। इतना तो क्लियर था कि वृंदा ओवर कॉम्पेंसेट कर रही थी, नहीं तो अचानक मेरे लिए डोनट्स और बिरयानी। समथिंग वॉज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, एंड दिस स्टार्टेड बॉदरिंग मी इवन मोर। ऑसम। और तुमने बताया नहीं कि पार्टी तुम्हारी कैसी थी? It was okay. It was fun. कौन कौन आया था पार्टी में? रिद्धि, मनु, समिधा, विक्रांत और भी कुछ लोग थे बस। चैट ग्रुप भी ना बहुत सारी बातें करते रहते हैं। I'll put it on silent. तो फिर मैंने इसको फोन किया सिमरन को कि उसने मुझे रोहन का नाम नहीं लिया है और लगातार तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में कोई मैसेजेस आ रहे हैं, क्या हो रहा है? मैंने उससे पूछा। तो जब इसने मुझे ये बताया तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्योंकि कॉलेज के ग्रुप में मैं भी थी और वहाँ पे कोई मैसेजेस नहीं थे, कोई चैट नहीं कर रहा था। तो उसके साथ मैं भी श्योर होते जा रही थी कि ये झूठ बोल रही है। फाइनली मैंने इसे कहा कि एक काम करना, रात को ऐसे प्रिटेंड करना कि तुम सो रहे हो और एक्चुअली देखना कि वृंदा क्या कर रही है, मैसेज कर रही है, फ़ोन कर रही है या वीडियो चैट कर रही है।
तो ऐसे तुम उसे रेड हैंडेड पकड़ सकते हो। दो घंटे तक मैं सो नहीं पाया था। मैं देख रहा था कि वो किससे बात करेगी, किसका मैसेज आया, या वीडियो कॉलिंग करने के लिए क्या करेगी, पर वो दो घंटे उसने कुछ किया ही नहीं। ना रूम से बाहर गई, ना कोई कॉल किया। तो मैं दो घंटे बाद उठा, मैंने उसको पूछा कि वृंदा वृंदा, तो उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। तो मैंने वो किया जो लाइफ में मैंने आज तक कभी नहीं किया। मैंने वृंदा को हजारों एसएमएसेस चुप चुप के भेजे होंगे, बट आई नेवर एक्सपेक्टेड कि एक दिन मुझे चुप चुप के उसके एसएमएसेस भी चेक करने पड़ेंगे। रोहन के मैसेजेस लगातार आ रहे हैं, ये प्रिटेंड मत करो कि कल हमारे बीच में कुछ नहीं। अब मेरे पास अपनी गर्लफ्रेंड के लवर का भी चेहरा था। बहुत सारी बातें करते रहते हैं। तो मैंने तुरंत इसको फोन किया। उसने ये बातें बताई कि मैसेजेस आ रहे थे ऐसे। मैंने एक बात पे टैप किया कि वो कंटिन्यूसली बोल रहा था कि मीट मी मीट मी मीट मी। मैंने इसे कहा कि अगर वो उससे मिलना चाहता है मिलने दो, हम भी पीछा करेंगे, देखेंगे कि क्या है, क्या मिलके क्या बातें करते हैं। पूरे रात भर मैं सो नहीं पाया, सुबह जल्दी से तैयार हुआ। और फ्रिज पे एक नोटिस लगा दिया। एक ट्विस्ट आ रहा था। कहां मैं देख रहा था कि वृंदा जाएगी रोहन से मिलने, पर रोहन ही आ गया सीधे घर पर। वृंदा ने उसको ही बुला लिया जहां पे हम दोनों साथ में रहते थे, हम लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड किया। उसने बेल बजाई, वृंदा ने गेट खोला और वो अंदर चले गए दोनों लोग। अब तो चीज क्लियर हो गई थी कि वृंदा भी रोहन के लिए इंटरेस्टेड। फिर मेरे को याद आया कि एक स्पेयर की फ्लैट की सिमरन के पास रहती है, तो मैं इसके पास जल्दी से दौड़ते हुए गया। आपकी स्टोरी हमारे सामने आई थी yes. तो ऑब्वियसली आपने जो बताया वो बताया है, बट हमने दूसरा पहलू भी जानने की कोशिश की, और वो पहलू क्या था
ये बताने के लिए हमारे साथ एक व्यक्ति और है, and I'm gonna call her now. वृंदा, please come. Hello. Hello. Welcome to Watch My Face. Please. Hi. Hello. कैसे हैं आप? I'm fine. विनायक हमें बता रहे थे एग्जैक्टली किस वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम शुरू हुई. आप अपना नजरिया बताइए, किस वजह से ऐसी सिचुएशन आई? उस दिन इवनिंग में जब मैं रेडी हो रही थी अपनी कॉलेज पार्टी के लिए, जाके देखती हूँ तो इट वॉज विनायक. मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश भी होती हूँ कि आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम मीटिंग हिम. तभी ऐसा मन भी हुआ कि मैं पार्टी में ना जाऊँ कि ये आए. उतनी देर में सिमरन आती है घर पे और हम लोग पार्टी के लिए निकल जाते हैं. तुम लोगों ने मेरे बिना ही पार्टी शुरू कर दी. रोहन वापस आ गया था एंड आई डिडंट नो हाउ टू हैंडल इट. ज़्यादा कहाँ भी है, just light it up, mommy. तुम लोगों ने मेरे बिना ही पार्टी शुरू कर दी. Hi. Hi. कैसा है तू? Hi. Hi. कब आया? सभी भी दारू कंट्रोल नहीं होती ना. Just like old times, huh? Three old buddies. रोहन वापस आ गया था एंड आई डिडंट नो हाउ टू हैंडल इट. दो लोग जब फ्रेंडशिप से आगे बढ़ जाते हैं वो लाइन क्रॉस कर लेते हैं. दे कैन नेवर बी फ्रेंड्स अगेन. हम दोनों प्रिटेंड कर रहे थे कि हम फ्रेंड्स हैं, पर हम दोनों को पता था कि हमने सालों पहले ही वो लाइन क्रॉस कर ली थी. Dance, come on. मैं किचन की साइड जा ही रही थी. हे वृंदा, कम ना.
एक ड्रिंक। ओ कम ऑन, अब हमारे बीच में इतनी ऑकवर्डनेस है कि हम एक ड्रिंक नहीं पी सकते। यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही, टू मच लाउड म्यूजिक, यहाँ थोड़ा शांत है ना इसलिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं मैं सिमरन के लिए आइस ढूंढ रही थी। सो अब क्या प्लान्स यूएस के बाद? कुछ दिनों के लिए पुणे जा रहा हूँ, विल बी बैक इन मुंबई सून, हैव फ्यू इंटरव्यूज लाइंड अप। Why did we break up, Vrinda? Because you went to a different city, different country. तुम calls तो attend कर सकते हो। रोहन, एक तो तुम country में थे नहीं, और I used to miss you every day. ये रिलेशनशिप कभी वर्कआउट ही नहीं हो सकता। और ये तुम्हें भी पता था। बट दैट डजंट मीन कि हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते, फ्रेंड्स। मैं आज पार्टी में नहीं आने वाला था, बट आई एम ग्लैड आई डिड। मी टू। एक्चुअली आई मिस्ड यू अ लॉट। साथ में परफेक्ट थे ना? क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? ये सब बातें करके क्या फायदा? I'm sorry. It's just. I still love you, Vrinda. I don't know how, why हम दोनों ने किस किया एक दूसरे को। It was my mistake. मुझे बहुत guilt feel हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना था। आपको पता है जो आपने किया वो cheating की definition में आता है।
अगर किसी एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में होते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हैं तो उसे चीटिंग ही कहा जाता है। अब आप ये बताइए कि इनको आगे खुद को एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाए या ना दिया जाए। अगर आप कहते हैं नहीं तो हम इन्हें यहीं गुड बाय कह देंगे। हर किसी को बोलने का मौका एक मिलना चाहिए। आप चाहते हैं? या मैं चाहता हूँ कि ये हर चीज बताए आपने। श्योर? या श्योर। कंटिन्यू। वृंदा आई लव यू और मुझे पता है तुम्हें भी मेरी फीलिंग्स हैं। विनायक मैं तुम्हें बताने वाली थी। कौन फ्लर्ट कर रहा है तुम्हारे साथ? हाँ शुड आई बी वरीड? अच्छा ये सब छोड़ो, घर कब आ रही हो? अब मैं बस आ रही हूँ थोड़ी देर में। मैं पिकअप करने आऊँ? नहीं नहीं सिमरन है ना वो ड्रॉप कर देगी। ओके मैं अभी सोने जा रहा हूँ, कम सुन बेबी। ओके किसका फोन था? मुझे जाना है। जैसे ही मैं नीचे पार्टी में उतरती हूँ मैं देखती हूँ कि सिमरन इज नॉट देयर। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शी ऑलरेडी लेफ्ट दी पार्टी। तो रोहन मुझे फोर्स करता है कि मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। तुमसे बोलना चाहता हूँ कि रोहन एक्चुअली बहुत रात हो चुकी है, मुझे चलना चाहिए। गुड नाइट। जिंदा आई सॉ विनायक वॉज स्लिपिंग और उसी मोमेंट पे रोहन वॉज कॉलिंग मी मैसेजिंग मी। बस उसका मैंने दूसरे रूम में गई उससे बात की। हेलो रोहन क्यों मुझे कॉल कर रहे हो अभी? I'm with my boyfriend right now. I can't talk. You have a boyfriend? और जो हमारे बीच में वो क्या था? Don't stop it. मुझे इतना guilt feel हो रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। बस यही सोचती रही कि विनायक को कैसे बताऊँ, इस guilt से मैं कैसे बाहर निकलूँ। रोहन लाइक मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। आई वॉन्ट यू बैक। अगर तुम चाहती हो तो मैं विनायक से बात कर लेता हूँ, बट आई वॉन्ट टू मैरी यू ये वो। तो मुझे लगा कि अब मैं उसको बुला लूँ, उसके साथ सामने सामने बात कर लूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। मैंने रोहन को कॉल किया और मैंने रोहन को घर पे बुलाया। वृंदा वृंदा आई डोंट से इट बट आई डू आई लव यू और मुझे पता है तुम्हें भी मेरी फीलिंग्स हैं। Rohan, please understand. अभी मैं विनायक के साथ हूँ and I really love him.
पर फिर पार्टी में विकेश बंदा आई नो मैं कमजोर पड़ गई थी पर वो मेरी गलती थी और मैं अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहती उस दिन जो भी हुआ दैट वॉज नॉट लव इट वॉज जस्ट रश ऑफ इमोशंस इट वॉज जस्ट अ वीक मोमेंट पर फिर तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया तुमसे फेस टू फेस मिलकर तुम्हें ये समझाना चाहती थी कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता बट हम दोनों एक साथ कितना खुश थे एग्जैक्टली हम खुश थे आई लव्ड यू देन बट नाउ आई लव विनायक And I'm really happy with him. और मैं उसके साथ ये नहीं कर सकती You've always understood me, Rohan. More than anyone else. Please समझने की कोशिश करो Friends. विनायक अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे यूएस भेज देता मैं आज विनायक को सब कुछ बता दूंगी उस रात पार्टी में जो कुछ भी हुआ सब कुछ रिलेशनशिप्स आर अबाउट बीइंग ऑनेस्ट एंड आई विल बी ऑनेस्ट वो उसका डिसीजन है अगर वो मेरे साथ रहना चाहता है या नहीं मैं तुम्हें बताने वाली थी मैंने सब सुन लिया है तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है I love you, Vrunda. You're the best girlfriend a man can have. नहीं I'm not a best girlfriend. मैंने तुम्हें चीट किया है तुम हो तुम चाहती तो मुझे ये सब छुपा सकती थी तुमने ऐसा नहीं किया आज भी इस चीज का गिल्ट है कि मैंने उससे झूठ बोला मैसेजेस छुपाए मेरी गलती बहुत सारी है मुझे आज भी इस चीज का गिल्ट है कि मैंने उससे झूठ बोला मैसेजेस छुपाए
मैंने ये नहीं बताया कि रोहन पार्टी में आया था या फिर सिमरन ने नहीं रोहन ने मुझे ड्रॉप किया था. लाइक मेरी गलती बहुत सारी है. मैंने इसको समझा कि हाँ ये अच्छी पार्टनर है, मुझे आके सब कुछ बताने वाली थी, उसे कुछ छिपाने वाली नहीं थी. अगर ये चीज़ छिपाती तो ये चीज़ गलत होती. तो मुझे आके बताने वाली थी, हर चीज़ मुझसे क्लियर करने वाली थी. वृंदा, आपको और ऑडियंस को भी मैं ये बताना चाहूंगा कि ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी रखी, दैट्स रियली कमेंडेबल. एंड विनायक ने इनकी गलती को माफ किया और अपने प्यार को एक और चांस दिया, विच इज रियली ग्रेट. और हम लोग को लगभग 4.5 साल हो गए अभी, तो हम लोग अभी तक काफी खुश हैं. और मैं इसको कभी इसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ऐसी पार्टनर कभी नहीं मिली. रियली लव. थैंक यू सो मच कि आप इस शो पर आए, अपनी स्टोरी शेयर की. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हम लोग को लगभग 4.5 साल हो गए, तो हम लोग अभी तक काफी खुश हैं. और मैं इसको कभी इसका साथ कभी नहीं छोड़ा, ऐसी पार्टनर कभी नहीं मिली. रियली लव. हमारी आज की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है. इस सीजन में पहली बार एक ऐसी कहानी जहां हम आपको दोनों पार्टनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएंगे. एक तरफ एक बॉयफ्रेंड जिसको अपनी गर्लफ्रेंड की लॉयल्टी पर डाउट था, और दूसरी तरफ एक गर्लफ्रेंड जो एक छोटे से मोमेंट में वीक पड़ गई एंड एंडेड अप चीटिंग ऑन हर पार्टनर. बट व्हाट शी डिड आफ्टर दैट इज वर्थ अ वॉच. This is Pravesh Rana and welcome to NV 1000 presents Bindaas Emotional Atyachar Season 5. Ab tehkikat yaaron ke saath. Let's call Vinayak first. Please come. College reunion? Haan. वैसे कौन कौन आ रहा है? भाई पूरा college crew. Okay. By the way, did you miss me? What do you think? वैसे बहुत hot लग रही हो. सोच रहा हूँ कि तुम्हें जाने दूँ या नहीं. सिमरन होगी. आई हैव टू गो. मैं दरवाजा खोलती हूँ. विनी, कब आया तू? बस अभी अभी. और ये तुझे छोड़ के जा रही है? कोई बात नहीं, मैं रुक जाती हूँ, इसे जाने देते हैं. अब इसे एज अ पनिशमेंट इसे कोलाबा से मेरे लिए डोनट लेके आना पड़ेगा. I don't know about the donuts, but I have something for you. This is for our everlasting love. I hope you like. अभी मत खोलना. हम आज जाने के बाद. अब चले? चलो. Don't worry, तेरी girlfriend को सही सलामत वापस यही drop करूँगी. Have fun. Take care. Bye, baby. Bye, bye. अराउंड 6 मंथ पहले है
कि फ्राइडे नाइट को मैं उससे मिलने आया, तो वो तैयार होके अपने कुछ पार्टी थी उसकी, रीयूनियन पार्टी थी, तो वो पार्टी में जा रही थी। अब बोलो क्या बात है, बहुत अच्छी लग रही हो। क्या हाल है यार? हेलो सर। कैसे हो? बैठे। थैंक यू सर। क्या हो रहा है? बढ़िया सर। फर्स्ट क्लास। कहाँ से हैं आप? सर मैं पूना से हूँ। अच्छा, पूना में फैमिली पूरी रहती है? पूरी फैमिली पूना में रहती है। पापा गवर्नमेंट जॉब में है। अच्छा। बड़ा भाई इंडियन आर्मी में। अरे वाह। आप? मैं ग्राफिक डिजाइनर। तो बताइए जिस वजह से आज आप यहाँ आए हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई? सर ये बात अराउंड 6 महीने पहले की है। मैं और वृंदा 4 साल से रिलेशनशिप में। वृंदा? हाँ वृंदा। ओके।